डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है कैमरा ऑन हो चुका है, ठीक है। अब इस मोबाइल को हम दूर में ले जाकर देखते हैं, तो जैसे कि भाई थोड़ा सा मोबाइल वहाँ पर लेके जाओ, बड़ा हरामी हो बेटा। तो यहाँ पर देखिए हमारा दोस्त वहाँ से जा रहा है और कुछ इस प्रकार से देखिए तो वहाँ पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर में वेब कैम के बारे में, यानी कि कैमरा के बारे में। दोस्तों यदि आपके पास जो है लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर है, सबके कंडीशन में आपको दिक्कत होती है कैमरे की, जैसे कि आपको ऑनलाइन एग्जाम दिलाना है यहाँ, या फिर आपको जो है कभी मीटिंग वगैरह करना पड़ जाता है तो वहाँ पर आपको कैमरे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, लैपटॉप में जो है यहाँ पर कैमरा रहता है, लेकिन यहाँ पर डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर की बात करें तो किसी में उसकी जो है यहाँ पर कैमरा नहीं रहता है। सही पकड़े हैं। तो ऐसे में आज हम जो है एक नया ट्रिक लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो क्या नाचोगे? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो भाई देखो अपने क्या करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल सभी के पास होता है और आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है। आपको दो चीज चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया। यदि आप जो मोबाइल से कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका मोबाइल जो है एक वेब कैम की तरह काम करने वाला है। मतलब ये है कि यदि आप मीटिंग करना चाहते हैं या फिर आप जो है ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल के थ्रू ले सकते हैं। साथ ही आप किसी से जो है वीडियो कॉल में बात करना चाहते हैं या फिर दोस्तों इसमें एक और बहुत ही अच्छी बात है, यदि आप जो है कैमरे को लेकर थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, यानी कि 5-10 मीटर दूर चले जाते हैं, तो भी आप जो है उसका फुटेज कंप्यूटर पर देख सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी यहाँ पर जो है वेब कैम की तरह यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो चलिए दोस्तों आपको कुछ दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है ये वाला जो है एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पर जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये जो है ड्रॉइड कैम करके एक आता है, इसको आपको अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर हम जो है आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रन अस एडमिनिस्टर करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। तो यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एग्री पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार से जो है आपको आगे प्रोसेस करते रहना है तो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको दोस्तों एक काम और करना है, अपने मोबाइल पर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर पर फिनिश हो चुका है हमारा काम, तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसका काम हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखिए आपको तीन चीज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वाईफाई और यहाँ पर जो है आपका यूएसबी केबल का। तो दो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, दो चीज़, एक वाईफाई का, एक यूएसबी केबल का। यहाँ पर आपके कंप्यूटर में दोस्तों एक जो है वाईफाई रहना चाहिए, वाईफाई आपके कंप्यूटर में कनेक्ट रहना चाहिए, तो आप जो है इस काम को कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए मोबाइल पर भी एक काम करना होगा, आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। तो यहाँ पर मोबाइल पर प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सर्च बॉक्स में आपको जो सर्च करना है ड्रॉइड कैम करके, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं ड्रॉइड कैम करके, थोड़ा सा यहाँ पर एक मिनट। ड्रॉइड कैम ये वाला एप्लीकेशन है, इसको आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, अपने जो है मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद जो है आपको अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट इंस्टॉल ऑन करना है। तो यहाँ पर देखें ये जो है हमारा ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा आपको प्रोसेस बताया गया है, चाहे तो आप जो है इस प्रोसेस को देख कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैमरा पर अलाउ करना है, यहाँ पर भी अलाउ करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये जो है आपको डिवाइस आईपी करके दिखाई दे रहा है, इस डिवाइस आईपी को आपको अपने कंप्यूटर पर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, आपको अपने मोबाइल पर फ्रंट कैमरा होता है और एक होता है बैक कैमरा, ठीक है। तो आपको कौन सा कैमरा से वेब कैम आपको इंस्टॉल करना है, यानी कि आपको कौन से कैमरा से आपको चलाना है। तो यहाँ पर हम फ्रंट कैमरा ले लेते हैं। तो देखिए फ्रंट और बैक दो ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पर हम जो है फ्रंट का ले लेते हैं ताकि आपको बताते हैं व्यू है। तो ये है, ठीक है, फ्रंट कैमरा ये सेटिंग हो चुका है। दूसरा आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर मोबाइल का हॉटस्पॉट आपको ऑन करके रखना है। तो यहाँ पर वाईफाई बंद कर देते हैं, हॉटस्पॉट यहाँ पर ऑन करेंगे। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर आना है। यहाँ पर देखिए आपने अपने कंप्यूटर पर जो है सबसे पहले तो आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए वाईफाई से यहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो है कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया भी जा रहा है कंप्यूटर कनेक्ट हो चुका है। देखिए हमारा वीवो का फ़ोन है, ठीक है, वीवो का फ़ोन है, कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ये हमारा एप्लीकेशन है। और यहाँ पर देखिए डिवाइस आईपी करके दिखा रहा है, ये जो डिवाइस आईपी है और ये जो डिवाइस आईपी है दोनों को मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले डिवाइस आईपी आपको दिखाई दे रहा है 192
168 43.1 ऐसा करके दिया, सेम टू सेम आपको यहाँ पर इस पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख चुके हैं, ऑटोमेटिक पहले से आता है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन और दिखेगा, एक वीडियो का एक ऑडियो का, इसको आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पर इसको हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है कैमरा स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे मोबाइल पर भी देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर तो एक चीज़ और दोस्तों, इसको यहाँ पर मिनिमाइज करके हमारे कंप्यूटर में डायरेक्ट हम जो कैमरा वाला एप्लीकेशन होता है, जो कि विंडो 10 है, विंडो 7 में आप इस माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन विंडो 10 है तो यहाँ पर अलग से एक कैमरा का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैमरा वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका विंडो 10 का कैमरा डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है कैमरा ऑन हो चुका है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है कैमरा ऑन हो चुका है, और हमारे पास एक मोबाइल पर हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, और एक अच्छी बात यहाँ पर देखिए, मोबाइल का जो है डिस्प्ले यहाँ पर बंद हो चुका है। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए मोबाइल का डिस्प्ले आप बंद कर सकते हैं, जैसे कि इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद भी यहाँ पर इसको आप पावर भी ऑफ कर देते हैं तो देखिए फिर भी हमारा यहाँ पर दिखाई रहा है इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से हमारा जो है दिखा रहा है। यहाँ से आप जो इसको कुछ अटैच करके रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से काम करता है दोस्तों। तो एक मिनट इसको हम ओपन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा मोबाइल है, ठीक है। अब इस मोबाइल को हम दूर में ले जा कर देखते हैं, तो जैसे कि भाई थोड़ा सा मोबाइल वहाँ पर ले कर जाओ, बड़ा हरामी हो बेटा। तो यहाँ पर देखिए हमारा दोस्त वहाँ से जा रहा है। तो ऐसा ऐसे घुमा मोबाइल को, ऐसे घुमा ना, हाँ हाँ वैसे, हाँ। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, तो थोड़ा अपन फेस दिखा ना, फेस दिखा ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे भाई इतना दूर में जाने के बाद भी यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम जो इसमें कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा दूर इसमें नहीं जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये जो है हमारा काम करता है। तो देखिए हम कहीं पर भी अपने वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली से। तो ये है, ये है हमारा जो है दोस्तों वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और हमें सपोर्ट करना है। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। और दोस्तों आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी बहुत सारे वीडियो बनते रहेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जाए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।